स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में देखिए बताएंगे बोर्ड एग्ज़ाम जो 2021-22 में होने वाला है उसका क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, पूरा क्वेश्चन का जो बुलेट रहेगा या OMR शीट रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, किस चैप्टर का और कहां से कहां तक किस तरह का क्वेश्चन एकदम फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, एकदम पूरा सेम टू सेम उसका हम बुकलेट आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 क्लास 10 तो साइंस का क्लास 10 साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम जो 2021-22 में होने वाला है। तो 2021-22 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है क्योंकि पूरी तरह से जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, ऐसा पैटर्न में पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, इससे पहले कभी भी इस तरह का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा समझना ज़रूरी है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर रहेगा, कौन MCQ रहेगा या कौन सा लिखित रहेगा, तो उसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर अच्छा मार्क्स ला सके। ठीक है, तो वही प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन दिखाने का पूरा सेट कि कैसा क्वेश्चन आएगा, पूरा बुकलेट है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह का बुकलेट रहेगा, क्लास 10 साइंस का दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए फुल जो टाइम है वो 3 घंटा, समय 3 घंटा का है, फुल मार्क्स 80 नंबर का है। ठीक है, यह एक संयुक्त प्रश्न पत्र है, इसमें टर्म 1 40 नंबर दिख रहा है, 40 मार्क्स बहुविकल्पीय है, टर्म 2 40 मार्क्स विषयनिष्ठ है यानी सब्जेक्टिव है, दोनों के प्रश्न हैं। ठीक है, तो 40-40 नंबर दोनों का है, 40 नंबर बहुविकल्पीय है और 40 नंबर लिखित वाला है, लिखने वाला है। ठीक है, तो प्रथम सावधिक परीक्षा यानी टर्म वन और टू अलग अलग तो नहीं, वो साथ ही और आया था, टर्म वन में जो क्वेश्चन है वो MCQ रहेगा और टर्म टू का जो क्वेश्चन है वो लिखित वाला रहेगा, लेकिन दोनों एक ही बुकलेट में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये प्रथम का देख लीजिए, प्रथम का समय है 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा और पूर्णांक 40 नंबर का ये है। निर्देश कुछ रहेगा इस तरह से, निर्देश क्या है कि आप अपने नाम, रोल कोड, अनुक्रमांक तथा पंजीयन संख्या OMR उत्तर प्रपत्र में दिए गए जगह पर लिखें। तो अपना नाम, रोल कोड, रोल नंबर जो भी है, पंजीयन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको OMR शीट जो रहेगा उसमें लिखना। अभी OMR शीट भी दिखाएंगे किस तरह का रहेगा। ठीक है, आप अपना पूरा हस्ताक्षर, अपना साइन भी OMR उत्तर पुस्तिका में OMR शीट में करना है। ठीक है, कुल 40 बहुविकल्पी प्रश्न हैं बाबू, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, सभी का एक एक नंबर मिलेगा, ये टर्म वन वाला जो MCQ है उसका है ये। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प 1 से 4 दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे अलग से दिए हुए OMR उत्तर पुस्तिका में पर सही गोले को लगाकर उत्तर को सूचित करें, है ना, गोल गोल कर करके ऐसे ऐसे कर करके सूचित करना है। ठीक है, बोल करने के लिए देखिए कौन सा पेन का यूज करेंगे, नीला या काला बॉल पॉइंट कलम का, जेल पेन का उपयोग नहीं करना है, बॉल पॉइंट पेन, बॉल पेन यानी कि जेल पेन नहीं, है ना, जेल पेन लेबड़ा जाता है, उल्ला पेन से नहीं करना है, बॉल पेन का उपयोग करना है, नीला या काला यानी ब्लू और ब्लैक दोनों चल सकता है। ठीक है, पेंसिल का प्रयोग वर्जित है यानी पेंसिल का प्रयोग हरगिज ना करें। ठीक है, पेंसिल से बहुत को करता है, पेंसिल से नहीं करने का इसको। ठीक, अगला है परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR उत्तर प्रपत्र वीक्षक को लौटा दें, यानी परीक्षा भवन परीक्षा लिखने के बाद एग्जाम ये OMR से जो है दे दें, नहीं तो फिर अपने घर लेते जाइएगा तो फिर नंबर कौन बैठाएगा, है ना। तो ये रहा कुछ निर्देश, क्वेश्चन देखिए किस तरह का है, क्वेश्चन बहुत आसान। देखिए, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F है तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो उसमें क्या संबंध होगा, तो फिल टू R / 2 कौन सा संबंध होगा, ये इस तरह को MCQ 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे आंसर नहीं बता रहे बाबू, बस क्वेश्चन समझा रहे, प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन रहे। ठीक है, रहेगा ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा उसी चैप्टर से है, वाहन के पार्श्व दृश्य दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन सब है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है तो उसका फोकस दूरी कितना होगा, प्रकाश के अपवर्तन के क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित होती है रहती है, ये हो गया। फिर जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता सी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये फिजिक्स का दिख रहा है सब क्वेश्चन, है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है, तो ये सब क्या है, फिजिक्स का उपयोग है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कितना है फिजिक्स का, कौन सा चैप्टर में कौन सा नंबर में कौन सा चैप्टर का पूछेगा, उसको ध्यान रखना, उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, देखिए उत्तल लेंस, लेंस वाला फिर से है, लेंस वाला,
ठीक है, 9 नंबर में भी, लेंस 10 नंबर में भी है, लेंस का है, नेत्र में जाने वाले प्रकाश के मात्रा को नियंत्रण कौन। अब ये आया मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार वाला क्वेश्चन है यहाँ से। 4D यानी 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालना है, ठीक है। तो ये फिजिक्स दिख सब फिजिक्स है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर होगा, दिए गए समीकरण का रासायनिक। तो देखिए 13 तक दिखा फिजिक्स दिख रहा है, 13 नंबर तक क्या है फिजिक्स है, तो याद रखिएगा 13 नंबर तक फिजिक्स है। और MCQ किसको याद रखना है, जो टर्म 1 में पढ़ना है, तो टर्म 1 के लिए जो जो चैप्टर पढ़ना था उसका तैयारी आप MCQ टाइप में करिएगा तो अच्छा होगा, यहाँ से MCQ आएगा। और लिखित वाला जो टर्म 2 में पढ़ना है उस चैप्टर से, उन सभी चैप्टर से लिखित वाला क्वेश्चन आएगा, बाकी MCQ जो है टर्म 1 से आएगा, ठीक है। तो ये 13 तक हो गया फिजिक्स का क्वेश्चन। अगला देखिए केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, दिए गए समीकरण का अभिक्रिया का नाम लिखना है, कौन सा अभिक्रिया विघटनधीयता में कौन सा अभिक्रिया होता के कारण होता है वो बताना है, दिए गए समीकरण को संतुलित है कि नहीं वो बताना है, या संतुलित इसका कौन है वो करना है, ठीक है, संतुलित को बताना है। दिए गए अभिक्रिया में किस प्रकार को किस पदार्थ का उपजयन हो रहा है, इसके में केमिस्ट्री है सब, ठीक है। ये देखिए 18 नंबर भी केमिस्ट्री है, 19 नंबर भी देखिए लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, तो ये केमिस्ट्री। अगला भी केमिस्ट्री है 20 नंबर, देखिए कौन सा प्रकृति सूचक है, अम्ल क्षारक लवण से क्वेश्चन है। नीला निर्मल पत्र डालने से लाल नहीं होता है, ये अम्ल क्षारक लवण का क्वेश्चन। ये सब क्षारक में जल घुलकर कौन आयन प्रदान करता है, ठीक है, तो क्षारक OH- आयन प्रदान करता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकलता है, तो अम्ल धातु हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। तो ये सब देखिए केमिस्ट्री है, ठीक है। जल का स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा लवण का उपयोग होता है, ये खट्टा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टा फल में सिट्रिक अम्ल। विरंजक चूर्ण का सूत्र विरंजक चूर्ण का सूत्र, ये सब 26 नंबर तक, देखिए 26 नंबर तक केमिस्ट्री है। तो 13 को था फिजिक्स, 13 के बाद 13 26 को 26 नंबर तक ये केमिस्ट्री हुआ, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर से अमीबा स्टार्ट हो रहे हैं, यानी बायोलॉजी। देखिए अमीबा अपने किस अंग को भोजन ग्रहण करता है, यानी 27 नंबर से का बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। तो बायोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण होने ये सब हो गया, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक क्या है, तो ये सब क्या है बायोलॉजी का, देख लीजिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है ना, बायोलॉजी का क्वेश्चन, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन 34, 35, 36, 37, 37 यानी 40 तक फिर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, 26 से 40 तक, ठीक है, मतलब 14 को बायोलॉजी का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट कोई भी ये हो, तो टर्म 1 में वही क्वेश्चन पूछा है, यानी MCQ में वही क्वेश्चन पूछा है जो टर्म 1 में पढ़ना था। तो टर्म 1 को MCQ टाइप का याद करिएगा, ठीक है, टिक लगाने वाला क्वेश्चन जैसे, एक नंबरी। और टर्म 2 देखिए द्वितीय सावधिक परीक्षा, तो ये भी 1.5 घंटा का समय रहेगा और 40 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कुछ निर्देश है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यानी अपने शब्दों में ज़्यादातर कोशिश करें उत्तर देने का। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, उसमें से देखिए ध्यान से देखिएगा 1 से 7 तक में अति लघु प्रश्न है, जिसका जो है वो जिसमें से 5 पर बताना है बनाना है, तो 7 गो में 5 बनाना है, वही सबसे आसान कर दिया है ना, कहा कि 7ों में कोई भी 5 बनाइए। पहले होता था कि अथवा में एक रहता था, तो हो सकता था कि कोई दोनों को नहीं जानता है, जैसे पहला नंबर में कोई है या 15 नंबर में इसका अथवा में एक है, तो ना 15 नंबर आ रहा है उसका अथवा वाला आ रहा है, तो फिर फंस जाते थे, दिक्कत हो जाता था। लेकिन अब 7 गो है, तो 7 गो में से किसी को भी 2 गो छोड़ सकते हैं और 5 गो बनाना है, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन में 4 बनाना है, ये 2 नंबरी क्वेश्चन रहेगा, 2 अंक रहेगा उसका। फिर 8 नंबर से 14 नंबर तक जो क्वेश्चन होगा उसमें भी 7 क्वेश्चन हुआ, तो उसमें से भी 5 बनाना है और उसमें 3 नंबर मिलेगा, 5 × 3 = 15, ठीक है। फिर 15 से 19 तक में हो गया कितना, 15, 16, 17, 18, 19, 5 क्वेश्चन हुआ, तो इस 5 क्वेश्चन में बनाना है 3 क्वेश्चन को, ठीक है, 15 से 19 में, और ये 5 नंबर का रहेगा, आया समझ में। तो चलिए एक बार क्वेश्चन एक झलक देख लेते हैं, अति लघु प्रश्न किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, इस तरह का रहेगा, ये 5-7 प्रश्न है। यहाँ पे देखिए विद्युत धारा का की मात्रा की परिभाषा ली है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ऐसे 2 धातुओं का नाम बताएं जिससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, एल्केन और एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखे, अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 मानव निर्मित पारितंत्र का नाम लिखे, उत्पादक अपने उत्पादन अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करता है। तो ये 7 क्वेश्चन है, 7ों का 7ों आसान है, लेकिन 7ों ना बना करके 5 ही बनाना है, ऐसे नहीं कि 7ों आसान है कहकर 7ों बना दिए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये सब देखिए इस तरह का बोल रही है, खाली जगह वहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। अब दूसरा है देखिए,
लघु उत्तरी, लघु उत्तर में किन्हीं पांच प्रश्न का यहाँ पे भी जवाब देना है, 8 से 14 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु का क्यों बनाया जाता है, ये बताना है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के 3 गुण बताना है। सोडियम धातु के मिट्टी में तेल के तेल में डुबा को रखा जाता है क्यों, उसको बताना है। संगलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या समझते हैं। परितंत्र की घटनाओं का क्या भूमिका है। ओजोन क्या है, इसके यह किस तरह परितंत्र को नष्ट कर रहा है। और अवशोषी अंग क्या है, तो इसमें से भी 7 क्वेश्चन में 5 बनाना है, ठीक है। तीस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जगह आगे खोट छोड़ा हुआ रहेगा, इस तरह से देख रहे ये जगह इसमें लिखिएगा है। उसके बाद देखिए लास्ट दीर्घ उत्तर प्रश्न, दीर्घ उत्तर यानी लॉन्ग वाला 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें अच्छा 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 3 को बनाना है। जैसे ओम का नियम लिखिए और इसका प्रायोगिक सत्यापन करिए, यानी पूरा प्रूफ करना है इसको। विद्युत मोटर क्या है और स्वच्छ चित्र खींच कर इसके बनावट और कार्य का वर्णन करें। तो विद्युत मोटर को समझाना है, उस काम कैसे करता है चित्र बनाकर, उसको पूरा डिटेल समझाना है, 5 नंबर क्वेश्चन है। फिर समावयता किसे कहते हैं, पेंटेन के समावय के नाम और संरचना सूत्र लिखना है। तो पेंटोन के नियो पेंट आइसो पेंटेन ये सब समावयता कहते हैं, ये सब का नाम लिखना है चित्र सहित संरचना सूत्र सहित, ठीक है। जीवाश्म क्या है और जैव विकास में किस प्रकार जैव विकास प्रक्रम में के विषय में क्या दर्शाता है वो बताना। जीवाश्म ईंधन विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है ये बताना है। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दे और इसमें विभिन्न पोषी स्तर को नामांकित कीजिए, यानी फोटो बनाना है, ठीक है। 2 ऐसे तरीकों का उल्लेख करें जिनसे अजैव नवीनीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो ये 5 में से 3 बनाना है, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ रहेगा। कौन कौन क्वेश्चन से देखिए लॉन्ग लॉन्ग आया और कौन से शॉर्ट आया यानी एक नंबरी आया, उसी हिसाब से तैयारी करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब खाली जगह उसको भरने का, ये इस तरह का OMR सीट मिलेगा, ठीक है। वो 40 क्वेश्चन जो था टर्म 1 वाला, उसको भरने के लिए, उसको बनाने के लिए यहाँ आपको क्लास लिख देना है, यहाँ सब्जेक्ट लिख देना है, यहाँ रोल कोड लिख देना है और ध्यान से रंगिएगा, है ना। रंगने में दिक्कत नहीं करिएगा, जैसे अगर किसी का है 11:33 मेरा था, तो 11 यानी पहला लाइन में 1 को रंगेंगे, दूसरा में 1 को रंगेंगे, तीसरा में 0 है तो 0 तीसरा लाइन में, तीसरा में फिर 3 है तो चौथा में तो 3 को रंगेंगे, फिर 4 है तो 4 को रंगेंगे, है ना। तो रंगने में ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर किधर है, अरे ये रोल नंबर रहा, है ना। और ये तो कितना नंबर आएगा उसको लिखेगा टीचर, लिखेंगे वहाँ, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, ठीक है। और यहाँ आंसर लिखना है, पहला का जैसे चौथा है तो चौथा को रंग दीजिए, दूसरा है तो दूसरा को रंग दीजिए, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। तो उम्मीद है वीडियो आपका काम का होगा, इसी के अनुसार आप तैयारी करिए ताकि आपका अच्छा सा अच्छा मार्क्स आए हुए एग्ज़ाम में, है ना। अंदाजी तैयारी करिएगा, जैसे पहले जो टर्म 1 में पढ़ना है वो सब का MCQ सिर्फ आएगा, अब उसमें लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन को 10 नंबरी 5 नंबरी को रटर रहिएगा, उसको तैयारी करते रहिएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कोई का। इसीलिए फिलहाल एग्ज़ाम अभी नज़दीक है तो एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करिए, उसके बाद फिर नॉलेज के लिए आप ज़िंदगी भर पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। लेकिन फिलहाल एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम की तैयारी करें, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरह से तैयारी करें, ठीक है। तो ये हिंट्स के लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन दिखा दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई क्लास लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।